चलिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 12 बजे तक लोकसभा स्थगित। कुल मिलाकर 11:12 हुए हैं, 12 मिनट के अंदर अंदर ही ये बात तय हो गई कि लोकसभा चलने नहीं दी जाएगी। 12 बजे तक लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच में विपक्ष की एक ही मांग कि वो चाहते हैं कि कृषि कानून वापस होने लेकिन उस पर चर्चा हो, जिसमें वो MSP की बात उठा सके और सरकार को कहीं ना कहीं एम्बैरेस कर सके, सरकार को ये बता सके कि एक साल पहले आपने बिल लाया था, आपको कैसे दबाव में वापस लेना पड़ रहा है। तो सरकार अपने इस बात पे अड़ी हुई है कि इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, जब हमने कृषि कानून लाए थे उसको वापस ले रहे हैं। विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से इस पे चर्चा हो। उसी के बीच लोकसभा भाई और बहनों खत्म, इस बार स्थगित कर दी गई है 12 बजे के लिए, जिस तरीके की एक समझ लीजिए पूरा एक अभी तक का समझ लीजिए एक पूरा एक सिस्टम बन गया है सरकार और विपक्ष के बीच में। नाकामी जो है कहीं ना कहीं साथ में आने की वो एक बार फिर झलकती हुई। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, जिसका अंदेशा था वही हो रहा है, लोकसभा स्थगित 12 बजे तक, राज्यसभा के भी कहीं ना कहीं यही हाल होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार क्यों सिर्फ अपोजिशन जो है पूरा स्कोर करने की कोशिश करेगी, या अपोजिशन ये नहीं जाने देगी कि सरकार ने हितों में, किसानों के हितों में ये बिल वापस किया, ये बताएगी कि कैसे विपक्ष ने दबाव बनाया और वही दबाव अब MSP के लिए बना रही है। तो इसीलिए इस तरह के हंगामे के आसार थे। राज्यसभा में BSE की बैठक में साफ तौर पे हंगामा हो ही चुका था एक तरह से, जब उन्होंने कहा था कि हमको हर हाल में चर्चा चाहिए। सरकार, जैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात हुई थोड़ी देर पहले, तृणमूल से अंकित आपने बात की थी, उन लोग भी यही कह रहे थे कि हमें सिर्फ इससे नहीं होगा, हमको चर्चा भी चाहिए, क्योंकि चर्चा के बहाने वो सरकार को घेरेगी। दूसरी बात, अब जैसे कांग्रेस ने जो धरना प्रदर्शन किया वो लखीमपुर खीरी की बात कर रही है कि लखीमपुर में जो मंत्री हैं उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए और जो MOS होम है उनको हटाया भी जाए। तो अपने अपने डिमांड है, अपने अपने मुद्दे हैं और हर कोई, क्योंकि चुनाव सामने हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि कैसे वो उनके मुद्दों को उठाते हुए स्कोर करना। तो ऐसे में संसद बहुत आसानी से चलेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर थी, पहले से ही लग रहा था, अंदेशा था कि यही होना और वही हो रहा है। 12 बजे भी देखिएगा आप, यही होगा। शोर शराबे के बीच जो कृषि मंत्री हैं वो तीनों कानून को वापस लेने वाला बिल पेश करेंगे, उसमें हंगामा ही होगा और सरकार कोशिश करेगी कि हो हंगामे के बीच ही, क्योंकि बहस को लिए तैयार नहीं है। सरकार ने पहले कह दिया है कि जब ये कानून को वापस लिया जा रहा है तो बहस तक लोकसभा स्थगित कर दी गई। अमित, एक सेकंड में आपके पास वापस आ रहा हूं। 12 बजे तक लोकसभा को स्थगित किया गया, सरकार कृषि कानून के मुद्दे पर स्थगन हुआ है, वहां पर सर जो विपक्ष है वो चाहता है चर्चा हो। अब देखिए, आपको ये समझना भी जरूरी होगा कि क्यों सरकार चर्चा से बच रही है और विपक्ष क्यों चाहता है कि चर्चा हो। सरकार का कहना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, एक साल बाद ये फैसला आया, चुनावों के समय में आया, उसके ऊपर काफी सवाल उठे। सरकार नहीं चाहती कि इसको और खींचा जाए और सरकार कम से कम किसानों को ये मैसेज संदेश इधर देना चाहती है कि हमने वादा किया और आते ही सबसे पहला काम यही किया। सरकार भी चाहेगी विपक्ष के हंगामे के बीच में वो इस बात को सामने रख पाए कि देखिए, विपक्ष ना तो किसानों का सहयोग चाहता है ना उनके पक्ष में कुछ बात कर रहा है, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। विपक्ष वही चाहता है कि सरकार को बाद मिलेगा ऐसा, क्योंकि विपक्ष को बहुत कम मिलता है, तो वो कोशिश करेंगे इस बात को कहने कि देखिए, इन्होंने एक साल पहले जो कानून लाया था वो कानून आपके हित में नहीं था और सरकार ने जबरदस्ती वो कानून आपके ऊपर थोपा था। इन सब के बीच की लड़ाई एक बार फिर सामने दिख रही है। लोकसभा 12 बजे तक स्थगित हो चुकी है और 12 बजे भी जैसे अमित कह रहे थे कि आपको ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा।